और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं भारत जोड़ो यात्रा की। यात्रा का आज है राजस्थान में 14वां दिन। दौसा के बांदीकू इलाके के कोलोनाकोट कॉम्प्लेक्स के पास से यात्रा शुरू हुई। यात्रा में राहुल गांधी के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष यानी कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह रोटासरा मौजूद है। यात्रा 13 किलोमीटर चलकर अलवर के राजगढ़ इलाके में सुरेर की ढाणी पर पहुंच चुकी है। इसके बाद यात्रा 24 किलोमीटर चलकर अलवर के मालाखेड़ा पहुंचेगी। दोपहर 2:30 बजे का वक्त है, जब दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक विशाल जनसभा का आयोजन होगा। इसके बाद यात्रा करीब यहां आगे चलकर अलवर ग्रामीण के गांव महुआ खुर्द पहुंचेगी, जहां यात्रा के लिए रात्रि विश्राम की व्यवस्था रहेगी। आज की यात्रा के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी सभा में शामिल होंगे। तो जानकारी लगातार साझा कर रहे हैं, आपको फिर से बता दूं मैं कि यात्रा 24 किलोमीटर चलकर अलवर के मालाखेड़ा पहुंचेगी। दोपहर 2:30 बजे का वक्त है, जब 2:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह कि इस जनसभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहने वाले हैं। सहयोगी शशिमोहन का मैं रुख कर लेती हूँ, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। शशिमोहन, मैं आपके पास आ रही हूँ, लगातार यात्रा आगे बढ़ रही है, पार्टी के तमाम नेता यात्रा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन शशिमोहन महत्वपूर्ण बात यह क्योंकि 21 दिसंबर की तारीख जब हरियाणा में यात्रा कर जाएगी प्रवेश, उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का राजस्थान आना, क्या सियासी संदेश, पूरी जानकारी साझा करें। देखिए, इसमें सियासी संदेश सबसे बड़ा यही है कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस निकाल रही है और उस यात्रा पे पूरी कांग्रेस एकजुट दिखना चाहती है। सभी के बीच ये मैसेज जाए कि कांग्रेस एकजुट है, इसीलिए ये संदेश देने की कोशिश है इस सभा के जरिए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आ रहे हैं, AICC के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी यात्रा में लगातार चल रहे हैं। आज यात्रा अलवर ज़िले में दाखिल हुई है, कल भी अलवर में बड़ा शो रहेगा जिसमें अलवर शहर से यात्रा निकलेगी, जगह जगह स्वागत किए जाएंगे। तकरीबन दौसा शहर में जिस तरीके से निकल कर के यात्रा निकली, वैसे ही अलवर में नज़ारा हो सकता है। बहरहाल, यहाँ जो मालाखेड़ा में सभा है, राजस्थान की पहली सभा है, जब 4 दिसंबर को राजस्थान में दाखिल हुई थी यात्रा, उसके बाद में ये पहली सभा है और इसमें बड़े तादाद में लोगों के आने का दावा किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है 2 लाख से ज़्यादा लोगों की सभा होगी और बड़े स्तर पर एक किसान का खेत लेकर के उस जगह पर व्यवस्था की गई है, कुर्सियां लगाई गई हैं, कांग्रेस के बड़े नेताओं के कटआउट पोस्टर लगाए गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान में इस यात्रा में पहली बार शामिल होंगे, अब से पहले राजस्थान में इस यात्रा में खड़गे नहीं जुड़ पाए थे। और ये खास बात ये कि जो यात्रा के दौरान सभा हो रही है, इसमें 3 मंच बनाए गए हैं। एक मंच वो जिसमें राष्ट्रीय नेता, साथ में AICC के राष्ट्रीय पदाधिकारी मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष हैं, उनके साथ में दूसरे पदाधिकारी राहुल गांधी और राजस्थान के प्रमुख चेहरे शामिल रहेंगे। एक मंच वो है जिसमें राजस्थान के विधायक बैठेंगे और एक तीसरा मंच और है जिसमें भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग भारत यात्री के रूप में राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, वो उस मंच पर बैठेंगे। साथ में यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी तैयारी रखी गई है। राहुल गांधी आएंगे तो राजस्थान के कुछ लोक नृत्य, लोक प्रस्तुतियाँ दी जाएंगी, कच्ची घोड़ी नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा। और कुल मिलाकर जैसा कांग्रेस के नेता लगातार कहते रहे हैं कि उनका फोकस वोट के लिए नहीं है, लेकिन लोगों को ये मैसेज देने के लिए है कि जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए और उन्हीं मुद्दों को संभवतः राहुल गांधी के भाषण में आज आप सुन सकेंगे। जिस तरीके से महंगाई और सांप्रदायिक सौहार्द की, भाईचारे की बातें वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो टकराव की स्थितियाँ हैं वो नहीं होनी चाहिए, और आज उनके भाषण में भी इस तरह की बातें एक बार फिर से हमको सुनने को मिलेंगी। इम्पोर्टेंट रहने वाला है शशिमोहन, राहुल गांधी का ये भाषण, क्योंकि इंतजार रहेगा, क्योंकि बीजेपी लगातार हमलावर है राहुल गांधी पर, ये कहकर कि सेना का अपमान कर रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी का जवाब क्या आएगा, ये तो रहेगा महत्वपूर्ण गौर करने वाली बात होगी शशिमोहन। लेकिन ये बताइए शशिमोहन, क्योंकि जैसा कि मैं लगातार जिक्र कर रही हूँ कि 21 तारीख को हरियाणा में यात्रा प्रवेश कर जाएगी, उससे पहले क्या लगता है शशिमोहन, पार्टी की कोशिश ये, जब KC वेणुगोपाल राजस्थान में पहुंचे थे, एकजुटता का संदेश दिया गया था, क्या लगता है कि यात्रा से पहले खड़गे की कोशिश होगी, राहुल गांधी की कोशिश होगी कि यात्रा हरियाणा प्रवेश करो, उससे पहले जो है एकजुटता जो है चुनाव तक कम से कम बरकरार रहे, संदेश जो है कायम रहे, जो पार्टी की ओर से लगातार दिया जा रहा है राजस्थान में? देखिए मणि, राजस्थान इस यात्रा के बीच में जब आया तो वो पहला राज्य था जहां कांग्रेस की सत्ता थी। कांग्रेस की सत्ता होने के बावजूद पार्टी के नेताओं में प्रतिस्पर्धा है,
सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट के बीच में जो प्रतिस्पर्धा है वो जग जाहिर है, लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी राहत भरी बात कांग्रेस के लिए यही है कि इस यात्रा के दौरान दोनों ही पक्षों की तरफ से किसी तरह की बयानबाजी नहीं आई है। राहुल गांधी से भी इस तरह का सवाल हुआ तो उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी असहमति को भी जगह देती है और उनकी पार्टी में डिक्टेटरशिप नहीं है, और यही कारण है कि बयान देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए लोगों को पार्टी में मंच मुहैया कराया जाता है। और जहाँ तक हरियाणा में यात्रा पहुँचने का सवाल है, 21 तारीख को हरियाणा में पहुँचेगी, 20 तारीख को ही शाम को हरियाणा की बॉर्डर पर यात्रा पहुँच जाएगी और 21 तारीख को फ्लैग हैंडिंग ओवर सेरेमनी होगी जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को कांग्रेस पार्टी का झंडा सौंपेंगे और इस यात्रा का बैटन एक तरीके से थमाएंगे। वो यात्रा हरियाणा में जाएगी। हरियाणा भी वो राज्य है जहां पर पार्टी आपसी गुटबाजी को लेकर के जूझती रही है। उससे पहले जब मल्लिकार्जुन खड़गे इस मंच पर आएंगे तो वो भी एकता की बात करेंगे, लेकिन उस एकता से ज़्यादा उनका निशाना केंद्र की सरकार होगी। केंद्र की सरकार की नीतियों के खिलाफ जो कांग्रेस अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहती है, उस इस मंच का इस्तेमाल उसी के लिए किया जाएगा। एकजुटता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन वो एनडीए सरकार पर हमला करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं कही जा सकती, क्योंकि एकजुटता तो पार्टी के बैनर तले है और पार्टी के जो आलाकमान, पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जो फैसले लेंगे उनको लागू करना पार्टी का काम है, नेताओं का काम है। वो अपने अंदरूनी झगड़ों का हवाला देकर के ये कह देंगे कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो सब संभाल लेंगे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से नीति निर्धारण हो या महंगाई के नियंत्रण की बात हो या अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की बात हो, इन मुद्दों के ऊपर कांग्रेस पार्टी एनडीए को इस मंच से घेरने का कोशिश करेगी, जिससे लोगों के बीच ये मैसेज जाए कि कांग्रेस जनहित की बात कर रही है, जनहित की बात सोच रही है। जी मनी। अच्छा, सुखजिंदर सिंह रंधावा का मैं जिक्र कर लेती। शशि मोहन, मुझे याद है जब वो आए थे, इस यात्रा में शामिल हुए थे, तो सवाल मैंने किया था सहयोगी से कि क्या कोई बैठक होने वाली या फिर कोई चर्चा की जाएगी। क्या लगता है कि यात्रा जब प्रवेश करेगी हरियाणा में, उससे पहले क्या लगता है खड़गे की ओर से निर्देशित किया जाएगा रंधावा को? राजस्थान में जो चीजें चल रही हैं पॉलिटिकल लिहाज से, उसको मेंटेन किया जाए, उसको सुधार किया जाए? देखिए, हरियाणा में जब यात्रा दाखिल होगी उससे पहले राजस्थान कांग्रेस को लेकर के कोई ना बड़ा फैसला होना है ना अलग से बैठक होनी है। ये ज़रूर है 23 दिसंबर को दिल्ली में एक बैठक रखी गई है जिसमें अलग से डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी की बैठक भी होनी है, जिसमें उन तीन मंत्रियों के ऊपर बातचीत की जाएगी जो 25 सितंबर के घटनाक्रम के बाद जिनको नोटिस दिए गए थे। संभव है कि उनका मुद्दा भी आ जाए बैठक में। पिछले दिनों ये बात आई, सूत्रों से संकेत मिले कि उनको अभेदान मिल गया है, लेकिन जब केसी वेणुगोपाल राजस्थान आए तो उन्होंने कह दिया कि अभी किसी को कोई माफ़ी नहीं दी गई है, अभी डीएसी में मामला लंबित है। और डीएसी में मामला लंबित है यानी डीएसी की बैठक 23 को है, तो संभावना इस बात की है कि इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन अभी कोई फौरी तौर पर जल्द फैसला हो जाए इसकी संभावना अभी भी कम है। बनाए रखिएगा, अपडेट मैं आपसे लूंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद। और चले रखो कॉलेज।